सुप्रभात बच्चों, आज का आपका टॉपिक है मीठे जामुन। ये ए के शब्दों से होते हैं, ए की मात्रा के शब्दों से शब्द हैं, लेकिन ये पूरी कहानी टाइप है। सवेरा हुआ रेशमा केशव मिले, तो सुबह हुई और कौन मिले, रेशमा और केशव मिले, दोनों दोस्त मिले। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, तो रमेश जो था वो जामुन के, तो तीन बच्चे थे जैसे रेशमा केशव और रमेश। रमेश जामुन, जामुन क्या होता है, जामुन आपको पता है जो खट्टे वाले ग्रेप्स होते हैं, जो पर्पल ग्रेप्स, उसे जामुन बोलते हैं। जामुन के पेड़ पर चढ़ा, सब ने मीठे जामुन मज़े से खाए। तो जामुन मीठे थे, मीठे खट्टे दोनों ही होते हैं, तो जामुन जो थे वो मीठे थे, तो मीठे जामुन के पेड़ पर चढ़ा तो सब ने मज़े से उसे खाया। रेशमा पके केले लाई, रेशमा क्या लाई थी, केले लाई थी। सभी ने केले खाए, जामुन खाया, केला खाया, मज़ा किया। फिर केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, ये देखो केशव ने छिलका जो है सड़क पर गिरा दिया। रमेश ने उसे समझाया, रमेश जो टोपी वाला है उसने उसे समझाया कि छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का ये कूड़ेदान दिख रहा है, तो रमेश ने केशव को क्या समझाया कि हमें कोई भी कचरा जो है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे, तभी हम सब स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहलाएंगे, क्योंकि एक समझदार इंसान की निशानी होती है कि हम कोई भी काम करें वो अच्छा करें, बुरा नहीं करें। तो अगर आपको समझदार बनना है तो आप ये सब चीज़ें फॉलो किया करें कि घर को साफ़ रखना, ये वो गंदगी नहीं मचाना है, खुद को साफ़ रखना है, खुद पढ़ाई करना है टाइम पे, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो करेंगे तो आप भी समझदार कहलाएंगे। इसी से जुड़ा मैंने अभ्यास आपको दिया है, जो आपको नीचे ही समझ में आ रहा होगा कि रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, तो यहाँ पे आप जामुन लिखेंगे। केशव ने छिलके कहाँ गिराए, केशव ने छिलके रास्ते पर गिराए, सड़क पर, रास्ता जो भी। छिलके कहाँ डालने चाहिए, कूड़ेदान में। रेशमा क्या लाई, रेशमा पके केले लाई। अब सही या गलत आप बताएंगे, केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा था क्या, हाँ चढ़ा था, तो वो सही हुआ। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, हाँ खाए थे, सही हुआ। रेशमा पके सेब लाई थी, रेशमा के हाथ में तो सेब नहीं दिख रहा, रेशमा के हाथ में तो केले दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए, तभी आप क्या कहलाएंगे, समझदार कहलाएंगे, तो ये सही है, तो इसमें सही निशान लगा दें। ऐसे ही इस अभ्यास को कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा और अभ्यास पूरा करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।